हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हलीफास व्लॉग। आज जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत छोटा सा व्लॉग है, प्लीज जाइएगा नहीं गई पूरा देखिएगा। बहुत मैं जैसे मैंने कल आपको एक न्यू व्लॉग डाला था तो उसमें बताया था कि मेरी दाल रखी है और उसमें मैं हलवा बनाऊंगी, तो आज यम्मी यम्मी हलवा मेरा तैयार है और आपको खाना है अगर मेरे तरीके से तो प्लीज बताइए, मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये मेरे बेसन के लड्डू तैयार है, ऐसे छोटा भीम के भी कह सकते हैं, किसी के भी कह सकते हैं, एज यू विश। और ये बहुत टेस्टी होती है, आप भी बनाइए। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाले हैं जो कि ग्राइंड करके डाले हैं। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकती हैं, ये ऑप्शनल है। और मैं अपना हलवा बना चुकी हूँ, इतना हलवा खा चुके हैं बच्चे और इसमें से भी खा लिया गया है, तो मैं ये सारा हलवा इस बर्तन में पॉट में रख दूंगी। और जो मिक्स दाल का है जैसे कि मैं आपको बता रही थी, और ओ माय गॉड ये बहुत अच्छा हलवा है, आप भी बना के देखिएगा। मैंने दिया भी है और मैं दूंगी भी अपने रिलेटिव्स में सभी के यहाँ पर, और ये बहुत टेस्टी बनता है। और अगर आपको मेरे जैसा हलवा बनाना है तो प्लीज बताइएगा, मेरे एक चैनल है हनीफा का किचन, मैं उसमें इंशाल्लाह आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूंगी। हेलो, तो देखिएगा हम हलवा काट रहे हैं, बीच में मेरा फोन आ गया जिसे मुझे रिसीव करना पड़ा, और ये हलवा काट काट के इतना प्रोसेस में लग रहे हैं। ये बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, बहुत यम्मी है, तो प्लीज आप भी बना के देखिएगा और खा के देखिएगा। काश ऐसा हो कि मैं पार्सल करना सीख जाऊं और आप जैसे मतलब हलवा मंगा मैं कोई अच्छी चीज बनाऊं तो मैं आपको पार्सल कर दूं, बट ये सब मुझे नहीं आता, इसका प्रोसीजर बहुत लंबा है। काश मुझे ये सब आ जाए तो मैं नहीं पैसे लूंगी, मैं फ्री में ही आपको खिलाऊंगी, क्योंकि टेस्ट करना अच्छी बात होती है और मुझे सामान बना के सबके साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। मैं इतना सामान बनाती हूँ, कोई मैं अकेले नहीं खाती, मैं सबके साथ शेयर करती हूँ, शेयर करने की बात ही अलग होती है। तो फिर ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ अपने न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।